जब श्री राम का वनवास हो गया उसके बाद मंत्री सुमंत को साथ लेकर के श्री राम आगे को चल जब चलने लगे हैं तब कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिर धारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिर धारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी वनवास की कीनी प्यारी है। वनवास के लिए ये तीनों प्राणी चले हैं। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। धीरज दे के श्री रघुबर ने रथ लेके वापस लौटाया। सुमंत मंत्री को वापस किया भगवान श्री राम ने और कहा कि भैया हमें तो वन में जाना है। रथ लेकर के मंत्री सुमंत जिस समय अयोध्या के लिए वापस हुए हैं उस समय मुड़ मुड़ के देखते हुए यीशु आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे। दोस्तों सुमंत मंत्री को वहां से वापस किया है भगवान श्री राम ने और अपने भाई अर्थात सीता को साथ लेकर के आगे को बढ़े हैं। इधर सुमंत मंत्री तो चले आते हैं। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े और इधर मंत्री मन में यति है रान हुई लौटे अपने धाम। उतके बट के पास में पहुंच गए श्री राम। गंगा को पार करने हेतु तो केवट के पास पहुंच गए तो तुलसीदास ने ये लिखा कि मांगी नाव। भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव न केवट आना और कहिए तुम्हार मरम मही चरण कमल रज चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करन मूरी कछु है ही। तुलसीदास ने लिखा कि मांगी नाव न। यहां पर दो अर्थ है ऋषि के कि मांगी नाव न के बटवाना यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी। मांगी नाव ना नाव नहीं मांगी और केवट आना केवट आ गया और कही है तुम्हार मरम मही जाना यानी नाव मांग भी नहीं पाई उससे पहले ही केवट आ गया। दूसरा अर्थ के मांगी नाव ना नाव नहीं मांगी भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव ना नाव नहीं मांगी और केवट आना कही तुम्हार मरम मही जाना। नाव तो भगवान श्री राम ने नहीं मांगी केवट आ गया लेकिन बात उसमें यह भी थी कि मांगी नाव न केवट आना यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया और कही तुम्हार मरम मही जाना यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और कहने लगा महाराज हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते लेकिन सांची जहलला अब हम तुम्हें साथ ही साथ ये भी बता दें केवट कौन था। ये केवट जो था
कि सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसका ये पर भक्ति में समय बिताना था। पूर्व जन्म में केवट जो था कछुआ था, कछुआ क्षीर सागर में रहता था। लेकिन एक दिन केवट के उस कछुआ के हृदय में एक भावना बनी। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, चला ये सोच समझ के वो हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ तो जरूर था लेकिन भगवान का भक्त था। तो एक दिन उसने यह सोचा कि हम चलें भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करें। चलने लगा, शेष नाग की सैया पर विष्णु भगवान सो रहे थे। लेकिन कछुआ जब शेष नाग के ऊपर चढ़ने लगा पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक, मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच सका हर चरणों। दोस्तों कछुआ जिस समय चढ़ने लगा शेष नाग के ऊपर भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए, लेकिन शेष नाग ने तब तक फुसकार मार दी, कछुआ नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया आखिरी श्वास भरने लगा शेष नाग की फुसकार से। कछुआ मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे मन की मन में रही छोए ना पाए चरण सी हरि के। मन की मन में रही छोए ना पाए चरण श्री हरि के। कछुआ नीचे तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है, लेकिन विष्णु भगवान ने एक वरदान दिया। हे कछुआ, तूने पैर छूने का प्रयास किया लेकिन पैर नहीं छू पाए। कछुआ केवट बने तू त्रेता युग में, भगवान ने बताया केवट बने त्रेता युग माही, बन के राम आए तेरे यही, भक्ति तेरी सफल भई छुई ना सके चरण सी हरि के। केवट ने जब ये कहा कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं कि मांगी नाम न केवट आना और कहिए तुम्हार मर्म मही जाना। जब केवट ने ये कहा कि हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते, तो राम ने लक्ष्मण से कही, भैया लक्ष्मण केवट क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं और हमारे मर्म को तो आज दिन तक काउ ने जान ही नहीं पाओ। और राम ने जवाब दो, भैया लक्ष्मण कि मां कौशल्या अमर मन भाखा, जिन नौ मास गर्भ में राखा,
राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, हमारे मर्म को कौशल्या मैया ने न जानो, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा। छोड़ो, दशरथ पिता मरम जो पौते, प्रणत जी मोई बन कौन पठौते, प्रणत जी मोई बन। हमारे मर्म को न कौशल्या मैया ने जानो, न दशरथ पिता ने जानो, और केवट मारे भर भर ताना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। राम ने लक्ष्मण से इशारा किया, लक्ष्मण भैया, हमारे मर्म को आज दिन लो काउंट ना जानो, न कौशल्या मैया ने, न दशरथ पिता ने, अरे जनक ने भी नहीं जाना। और जो केवट जो कह रहे हो तुम्हारे मर्म को जानता, कैसे जानते हो भाई तुम? तो केवट बोलो, महाराज कान खोले के पहले एक बात सुन ले, हम नाप चढ़न ना दी। क्यों? बात यह है ना कि पहले तुम्हारे पाए धोए हैं और बाद में फिर कंधा बैठर है, और ताके बाद नाप ले जाए हैं, जो तुम जा में करो बहाना, तो मांगी ना बन के बटवाना। यानी पहले हम तुम्हारे पैर धोएंगे और उसके बाद तुम्हें हम नाव पर चढ़ने देंगे। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? कि तुम हमारे पैर क्यों धोगे? तो केवट बोला कि सुनता हूं मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज। केवट ने बताया, सुनता हूं मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। बात यह है भगवान, तुम्हारा चरणों की रज, तुम्हारा चरणों की धूल जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है, इसलिए हम पैर धोएंगे। बन गई शिला सुंदर नारी, गौतम ऋषि की पत्नी, बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतना आती है उस जीवन मूर्ख लगते ही। और कोई बात नहीं, केवल बात यह है महाराज, गौतम ऋषि की अहिल्या नारी और छुअत शिला वो बन गई नारी, और जा है काठ की नाव हमारी, और जो कहूं नाव से बन गई नारी, तो आफत में जान हमारी। केवट ने ये कहा कि तुम्हारे चरणों की धूल ऐसी है जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है, इस बात की हमें शंका है, बहुत बड़ी शंका है, इसलिए हम पैर धोएंगे जरूर, बगैर पैर धोए आपको चढ़ने नहीं देंगे। इतनी बात कह के अब केवट जो है तो उसको खोई गोलला, और केवट मन में सोचने लगो, अब राम से तो बात करे वो बंद कर दे, और केवट ने मन में सोची कि परमात्मा काजे बे राम है, बे विष्णु के अवतारी हैं, जो बल के द्वारा गए हते तब तो इनने 3 कदम में तीनों लोगों को ना पिलाओ। सोचन लगो केवट मन ही मन में, अरे क्या ये बही विष्णु अवतार, सोचने लगा केवट, अरे क्या ये बही विष्णु या बतारी जो बल के द्वारे पे आए।
और तीन कदम पृथ्वी नापन को हर ने चरण बढ़ाए। क्या ये वही भगवान है? बल के द्वार पर बहरोचन का पुत्र जो बल था, उनके द्वार पर तीन कदम धरती नापने के लिए जब तीन कदम में तीनों लोकों को नाप लिया, अरे तीन लोक नहर ने नाप, सोचने लगा केवल तीन कदम नहर ने नापे, आज नंगे नाए गंगा। जब तीन कदम में तीन लोक नाप ले तो गंगा जी कितनी चौड़ी है थी। अरे तीन लोक नहर ने नापे, आज नघे नाए गंगा। नाव के पीछे खड़े किनारे पर थम जाए रहे गंगा। केवट सोचने लगा कि जब तीन कदम में तीन लोक नाप लिए तो ये गंगा जी कितनी चौड़ी होती। एक कदम जाओर धत्ते, दूसरो बाओर धत्ते, गंगा जी के पार हो जाते, चले जाते। लेकिन फिर दिमाग में एक बात और आई, होते अकेले पकड़ जाते, अरे होते अकेले पकड़ जाते, पर संगम सीता नारी। केवट सोचने लगा, अरे होते अकेले तो कड़ जाते, पर संगम सीता नारी। कैसे उतरे पार संग में भ्राता से सया बतानी। केवट विचार करने लगा, अगर ये बेई विष्णु के अवतारी हैं तो जब तीन कदम में तीनों लोक नाप ले तो गंगा जी कितनी चौड़ी होती। फिर जे सोची, अकेले होते तो उतरी जाते, अब सीता जी संग में है, लक्ष्मण साथ में है। अब मुश्किल इस बात की है कि अगर सीता जी को पार उतारें तो कैसे उतारें। फिर बाने मन में एक बात और सोची केवट ने, कि सीता को गोदी ले लेते, अगर जावरों के कदम बाहर धरते तो सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की भुजा गही लेते। श्री गंगा को पार कर जाते, काहे को हमसे नाम मंगाते, काहे को हमसे। अब केवट ने मन में सोचा, कहा कुछ नहीं, सोचने लगा अगर सीता जी, और मतलब यह है कमर तक अगर जल है तो वह स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए सीता को गोदी ले लेते और लक्ष्मण की कलाई पकड़ लेते, गंगा से पार हो जाते, नाव क्यों मंगवाते हमसे व्यर्थ में। फिर मन में एक बात और सोची केवट ने, अब सीता को गोदी कैसे ले लेते, लक्ष्मण की कलाई कैसे पकड़ लेते राम। क्यों, बात यह है ना कि जल से बरुड़ दे बनिहारे, जल से बरुड़ दे बनिहारे, ऊपर सूरज तपई करारे, सोचने लगा नीचे जल में वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूरज देख रहा है, ऊपर सूरज तपई करारे, साखी में बाबा लगाता हमारे।
सोचने लगा, अब सीता को गोदी तो ले लेते, लेकिन नीचे वरुण देवता देख रहे, ऊपर सूर्य देख रहे, भला ऐसे में लाज कौन त्याग देगा, कौन अपनी अर्धांगिनी को गोद लेगा, इसलिए ये हमसे नाव मंगवा रहे। फिर एक बात और भी थी ऋषिदेव, ये नाव क्या थी? नाव का भी उद्धार होना था, नाव क्या थी? केवट तो कछुआ था पूर्व जन्म में, और नाव क्या थी? केवट को पता था कि ये नाव जो है ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है। उसमें बात ये थी, केवट ने सोचा कि जतरिबे को है नाव जो कि चित्रकेतु गंधर्व की है, तरिबे को है नाव में सोचा, नहीं गंगा जी को लांघे ना सीता को गोद उठावे, जब बैठेंगे श्री राम जो चित्र के तो गंधर्व की है। चित्र के तो गंधर्व की है, केवल सोचने लगा, अब गंगा जी को पार तो वैसे कर जाते, सीता को गोदी लेके निकल जाते, लेकिन ये नाव का भी उद्धार होना है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये नाव जो थी चित्रकेतु नाम के गंधर्व की थी। आप बड़े भ्रम में होंगे, तो देखो ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था गाता हुआ आगे को बढ़ा। ये चित्रकेतु गंधर्व कि था चित्र केतु गंधर्व एक जो गा करके समय बिताता था, ये कहानी है ये त्रेता की जो सबकी प्रशंसा गाता था, ऋषि ऐसा हुआ ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व बड़ा ही गाने बजाने वाला था, लेकिन एक बार महात्मा ने श्राप दे दिया इसे, उसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा, गंधर्व देह से अभिमानी तू एक वृक्ष हो जाएगा। किसी कारणवश महात्मा ने श्राप दे दिया और ये कहा कि चित्रकेत तुझे अपने ऊपर अभिमान है, घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वृक्ष बन जाएगा। और जब ये कहा कि वृक्ष बन जाएगा तो चित्रकेत रोने लगा और कहने लगा कि महाराज जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा भला मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महात्मा ने कहा कि उद्धार तुम्हारा तब होगा चित्रकेत, त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाइए, महात्मा ने कहा त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाने के बाद में ना बनवाएगा, महाराज चढ़ेंगे सीता संग कर तार, उसी समय उनके चरणों से हो तेरो उद्धार। पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है भैया।
वही पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है। अब तो दोस्तों केवट ने समझ लिया कि नाव का भी उद्धार होना है। सन्यासी ने यह कहा था केवट तेरे वृक्ष को कटवाने के बाद में नाव बनवाएगा, और जब भगवान श्री राम अर्धांगिनी सीता को साथ लेके तेरे ऊपर से निकल के जाएंगे उस नाव में बैठ करके, तब तेरा कल्याण होगा। केवट जब इन बातन में खोए गो तो राम पूछने लगे, केवट कहां हो, क्या सोच रहे हो? तो खड़ो है केवट पास में, तब कहे राम समझ आई, कहां ध्यान तेरो गो मोई बीजो पारल। भगवान श्री राम ने कहा, केवट अरे कहां खोए गए, हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद में और हम राज्य को छोड़ करके वनवास की ओर चले हैं, हमें गंगा से उस तरफ कर दो। केवट बोला, हरगिज नहीं करेंगे। हाँ बात सिर्फ ये है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाबुन नाथ उतारन चहूं, मोय राम राउर यान दशरथ सपथ सब सांची कहूं। केवट कहने लगा, बर तीर मारहू लखन पे जप लागिन पार हूं, और तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। केवट कहने लगा, चाहे कुछ भी करो लेकिन बिना पैर धोए हम चढ़ने नहीं देंगे। अब मुश्किल केवल इस बात की है कि तुम्हारे चरणों की धूल जिसके ऊपर पड़ जाती है वो तुरंत स्त्री बन जाती है। मुख्य बात केवल एक है कि जाहे काठ की नाव हमारी, जो कहूं नाव से बन गई नारी। कल से धंधा बंद हो जाए, तुम्हारे चरण की धूल अगर जो पड़ गई, जो कौना बस बन गई नारी, तोया भति में जान हमारी, तोया भति में। अगर पत्थर से स्त्री बन सकती है तो ये नाव कितनी देर के लिए है? तो जवाब दो भगवान राम ने, केवट भैया पागल हो गए का, अरे नाव से कहीं औरतें नाए बन जाती हैं, नाव से औरतें नाए बनती, तुम काहे को अधीर हो, हमें पार उतारो। तो जवाब दो महाराज कि छुअत सिला भई नारी सुहाई। केवट कहने लगा, प्रभु छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन पे न काठ कठिनाई। महाराज जब पत्थर से स्त्री बन सकती है तो पत्थर से काठ कठिन नाय हो तो है, कमजोर होता है, और जब पत्थर से औरत बन सकती है तो काठ से औरत बहुत जल्दी बनेगी, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। तो राम ने एक बात कही, केवट भैया देखो पहली बात तो जय कि नाव से औरतें नहीं बनती हैं, और औरत अगर बनी गई तो भला कौन सी तकलीफ है। हाँ अगर नाव से औरत बनी गई तो पहले नारी ये नहीं बने और बन जाए तो क्या है रानी। राम ने कही, केवट केवट पहले तो ना से औरत बने ना है, और अगर बनी हो गई तो आपत्ति कौन सी है तुम्हें ना मालूम। केवट पहले नारी नहीं बने, बन जाए तो क्या है रानी, बोलोग सुखी अति होते ही, जिनके घर में दुई दुई रानी।
केवट। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में दो औरतें होती है। राम ने कही अगर नाव से औरत बन गई तो तुम्हारी सब आपत्ति कट जाए केवट, तुम्हें ना मालूम। जो नाव से नारी बन भी गई तो तेरी आपत्ति कट जाएगी। कैसी? और एक करे सेवा तेरी, एक भोजन लेके आ जाएगी। केवट अगर नाव से औरत बन गई तो एक घरे खाना बनाओ करे तो ले दूसरी तुम्हारे लिए भोजन लेके आओ करे, आराम है ना। दूसरी बात एक और है केवट, एक दबा में पाँव तेरे दूसरी बिसी से दबाएगी। आराम दिलाए जीवन में जिंदगी स्वर्ग दिखाएगी। केवट पहले तो देखो नाव से स्त्री बने ना है, और नाव से अगर स्त्री बन गई तो फिर सुख ही सुख है, क्योंकि घर में अगर दो औरतें हैं एक कचू करे एक कचू करे, एक पाए दाबे तो एक सर दाबे, है ना। हाँ आराम ही आराम है, तासे तुम हमें उस तरफ करो। तो केवट बोलो महाराज, बुरा ना लगे तो कहे कुछ बोलो। केवट ने जो कही महाराज जो बनी नाव से नारी यदि तो आपत्ति सब कट जाएगी। अब देख केवट ने जो कही कि महाराज तुम जो कह रहे कि आपत्ति कट जाए, लेकिन थोड़ा ध्यान दो मेरी तरफ। जो बनी नाब से नारी यदि आपत्ति सब कट जाएगी, एक दबावे पाँव दूसरी जल के गलो दबावेगी। बात जो है ना, आप कह रहे हैं कि आराम हो जाएगा ना, चैन से रोटी मिले प्रभु हर पल वो कलह बढ़ाएगी। दस दस दिन रोटी नहीं मिले जिंदगी स्वर्ग दिखाएगी। केवट ने कही महाराज तुम जो कह रहे कि दो औरतें अगर होगी तो एक पाए दवाई है एक मूड दवाई है, लेकिन हाँ पाए एक दवाई है तो दूसरी मूड ना दवाई है गलो दवाई है, ताकि दो औरतें मान लो कब हम सुख से रोटी ना मिली। राम बोले एक बात बताओ केवट, दो औरतें भाई कौन से दुखी हो गए, सो तुम ही दुखी हो जाओ। तो केवट ने कही महाराज हम एक ना है, दस बीस ऐसे बताए दिए कि दो औरतें बालन को कभी रोटी तक नहीं मिली। हाँ राम ने जकई ऐसा करो तुम दस बीस ना आए, तुम हमें दो ही बताओ कि दो औरतें मानो किने रोटी ना मिली। तो केवट ने कही महाराज ध्यान दो हमारी ओर, हम बताएं तुम्हें दो औरतें भाई कितने दुखी रहे कि उत्तान पाद के दुई थी रानी, सुरत सुनी तो ये पेट बखानी। ध्यान करो उत्तान पाद की ओर, उत्तान पाद के दो रानी थी, एक ध्रुव वनवास पठाए एक ने राजा बहुत सताए, एक ने राजा महाराज। उत्तान पाद के दो रानियां थी, सुना होगा उनके बारे में कबहू कल कुशल उन्हें रोटी ना दी। राम बोले हां जतो बात तुम्हारी में सांची मालम पत्थे। अच्छा एक बात बताओ जाके अलावा और कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट बोलो महाराज बुरो न मानो तो कहें। हाँ बोलो महाराज। कि कहते राम और मोय डर लगे भारी, तुम्हारे नाथ तीन महातारी, तुम्हारे नाथ तीन महातारी। बुरा मत मानना प्रभु,
दशरथ नहीं ब्याहु रचाते तो तुमको नहीं बनक पठाते। और के नकी कहे तुम्हारी घर में अगर सौतिया डाह न हो तो राज्य छोड़ के तुम बनको नहीं जाते। इतनी बात जब सुनी सुन के बट के बचन को लखन गए किसी आए, सुन के बट के बचन को लखन गए किसी आए तो रामचंद्र कहने लगे सुन के बट चितलाए। ऐसा करो केवट, अब हम समझ गए कि तुम हमें बिना पानी धोए अब जान नहीं दियो, तासे ऐसो करो जाओ पानी ले आओ और हमारे पैर धो। केवट के रामचंद्र बोले मुसिकाई असो ही करो जे ही तने मान भाई। ऋषिदेव असमंजस की बात है, जब राम के पाए हते ना फिर वे चलते कैसे हते और फिर उन लोग पहुंच कैसे गए। बात जाती कि राम के पैर तो थे लेकिन राम के पैर नहीं थे। कारण था ये, राम की जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो पैरों की सेवा लक्ष्मण किया करते थे और शादी हुई कि जब आई सीता जी के साथ में तो राम के पैरों की सेवा सीता जी करने पहुंच गई। लक्ष्मण ने कहा कि बस भाभी हमसे यही नहीं होगा, ये राम के चरणों की सेवा तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। विवाद बढ़ता चला गया, फैसला अदालत में पहुंच गया, कहां गुरु वशिष्ठ के पास। और जब वशिष्ठ के पास पहुंच गया तो वशिष्ठ ने फैसला किया कि देखो एक पैर की सेवा सीता करेंगी और दूसरे पैर की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो एक पैर लक्ष्मण का था एक सीता का था, राम के पैर नहीं थे। दोस्तों अब वहीं आ जाइए, जब मजबूर हो गए तो लक्ष्मण और सीता की ओर देखा और कहा कि अगर लक्ष्मण और सीता कह दें तो पैर धो लो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तब भगवान श्री राम ने रामचंद्र बोले मुसिकाई सोई करहु जेही ना बन जाई। अब भैया तुझे जैसा दिखाई दे वैसा करो, तो केवट चलो और कठौता में पानी भल्ला उलला। कठौता में, कठौती में क्यों ना लाओ, कठौती में जैसा ना लाओ। अगर कठौती में हम जो पानी लेके गए और पानी की धूल अगर पड़ी गई तो कठौती से जो को बिटरिया बनी गई तो मुफत में ब्याह और करनी पड़ी। और कठौता से अगर लड़का बनी गो तो कोई मुसीबत वाली बात ना, सब देख लो जे। अब केवट जो था वो कठौता में पानी भर के प्रभु राम के चरण धोने के लिए चला। दोस्तों तुलसीदास ने तो ये बताया कि जा सुनाम और सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। प्रभु का एक बार नाम स्मरण करने से संसार से आना जाना छूट जाता है। सोई कृपालु के बट ही निहोरा जे जग किए ते हूं, जे जग किए ते हूं पदम थोड़ा जे जग किए। आज केवट के निहोरे कर रहे तो केवट कठौता में पानी लाया और पानी लाए के बाद में भैया लिखा तो ये देखा कि हाजिर थे एक कठौता में गंगा और गंगा जल दोनों। Thank you.
कोमल चरण कमल दोनों। कठोता में भगवान श्री राम खड़े हैं और केवट चरण धोने लगा। हे चरण अनेक तपस्या कर, ऋषिदेव वो ही चरण थे जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते ही। क्या दृश्य है वो के बट द्वारा गंगा पर धोए जाते ही। हजारों साल ऋषि महात्मा भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन वो चरण दृष्टि में नहीं आते। सौभाग्य है उसके केवट का जो भगवान श्री राम का चरण धो रहा है। ऐसा ही नहीं, राघव थे खड़े कठौता में, वह एक एक पद धोता है, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता है। केवट भगवान श्री राम के चरण धोने लगा कठौता में पानी करने के बाद। अब उसे यही ध्यान नहीं रहा कि हमें कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। तो प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट। केवट एक पांव हम खड़े ही इसका भी है कष्ट, इसलिए बहुत जल्दी करो हमें वन में पहुंचना है। पिता की आज्ञा को सरोधारण करने के बाद में हम राज्य छोड़ करके जंगल की ओर बढ़े हैं, इसलिए भैया केवट इस प्रकार जब कर चुका और नाभिक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। चरण धोने के बाद और सब अपने परिवार जनों को बुला करके सबने चरणामृत लिया है। केवट ने अपना उद्धार किया है, जिन चरणों की चाहत में, जिन चरणों की दर्शन करने के लिए, जिन चरणों को छूने के लिए प्राणी हर समय तपस्या किया करता है, भगवान का भजन कीर्तन गुणगान किया करता है, आज वही चरण। सौभाग्य है उस केवट का, चरण धोने के बाद सबने चरणामृत लिया। उसके बाद नाव पर सवार किया भगवान श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, अर्धांगिनी सीता को। और नाव पर सवार करने के बाद जब केवट चला तो धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता हुआ, कुछ कहता हुआ कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे पर बैठाल करके केवट चलने लगा और कुछ सोचता हुआ, कुछ गुनगुनाता गाता हुआ। क्या गाता हुआ? सोच रहा है आज बड़े सौभाग्य हमारे, आज बड़े सौभाग्य हमारे, तुम्हारी खातिर राम पधारे, मेरे सिद्धि भये सब काम, गंगा मैया धीरे बहोती मेरी दैया में,
चलता जा रहा है, वो आनंद दिखाई दे रहा है। मानो मानो क्या जब भगवान ही उसकी नाव पर सवार हैं, सोच रहा है कि गंगा के ही प्रति प्रभु राम के दर्शन हमें हो गए। सुन मेरी गंगा महाराज, सुन मेरी गंगा महारानी, बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी, घर बैठे आई गए राम गंगा मैया धीरे मोदी तारी मैया में। केवट तो कहता हुआ चल रहा था, लेकिन उसी समय अब गंगा ने भी दर्शन करने चाहे प्रभु राम के, तो कि जी भर कर दर्शन करने को प्रभु राम के, और जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाब उठाई गंगा ने, लेकिन लला ऋषि वो नाव, आहा नाव की क्या किस्मत थी, चलती थी राजबधू सी वो नाव, चलती थी राजबधू सी वह, पिछ रहा पिछोना जल का है, प्रभु बन भर का भार मगर वह भार कमल से हल्का है। आनंद ही आनंद था गंगा पर, केवट श्री राम को पार उतारने के लिए जब चला है, गंगा भी श्री राम के दर्शन करने के लिए ठहर जाती हैं। दोस्तों अब गंगा अकेली नहीं, कभी ने तो ये लिखा कि सूर्य दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के, और जिस समय ऊपर को चढ़ जाता है, लेकिन सूर्य से पहले बादल भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे, तब सूर्य ने बादलों से कहा कि सूर्य ने कहा बादलों से, ये छवि हमको भी रखने दो, सूर्य के नीचे जब बादल उमड़ने लगे तो सूर्य आवाज लगाने लगे, अरे बादलों अरे हमें भी देख ले दो ये सौंदर्य भगवान श्री राम का। सूरज ने कहा बादलों से, ये छवि हमें भी न रखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में ही, हट जाओ दर्शन करने दो। सूरज ने कहा बादलों से, अरे बादलों इधर उधर हट जाओ, देख ले दो भगवान श्री राम को। बादल चिल्ला करके बोले, अरे सूर्य उत्तर में बादल गरज उठे, उत्तर में बादल गरज उठे, मत भको कौन तो टोके रहे, बादल बोले उत्तर में बादल गरज उठे, मत भको कौन हो टोकी रहे, हम दर्शन करने आए दर्शन को हमसे रोकी रहे।
सूर में और बादलों में कलह शुरू हो गई। सूर कहने लगा बादल हट जाओ, देख लेना श्री राम को। बादल कहने लगे हम बहुत दूर से आए हैं राम के दर्शन करने के लिए। दोनों में रार बढ़ गई ऋषि देव, और जब रार बढ़ गई रार तब हवा चली कहा बीच बिचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। अब तो दोस्तों केवट जो था बड़ा ही खुश है। उधर चतुर मल्लाह की पूरी भई मल्लाह, और जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। नाव जब गंगा जी के पार पहुंची है तो केवट ने दोनों हाथ जोड़ करके विदा मांगी और कहा कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चल रहे हैं। तो केवट को जाते हुए देख करके अब राम के हृदय में एक भावना बनी कि केवट को हम उतराई में क्या दें, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बन की ओर जा रहे हैं। उसी समय पिया ही सिया जान नहारी, पिया ही की सिया जान कहे कृपाल तुम ले उतराई कहीं, कृपाल तुम ले उतराई कहीं, कृपाल तुम ले उतराई कहीं, कृपाल तुम ले उतराई के बात चरण गहे आकुलाई। यानी पति के हृदय की बात को समझने वाली सीता, उन्होंने समझ लिया कि राम के हृदय में भावना यह है कि केवट को उतराई में क्या दे, तो मने मुदरी मने मुदित उतारी, हाथ से अंगूठी उतार करके राम को दे दी। राम ने केवट को दी और कहा कि भैया अपनी उतराई ले ले। तो केवट कहने लगा प्रभु माफ करना, मल्ला मल्ला से कब हम उतराई ना ले, हम कैसे उतराई ले ले। तो लक्ष्मण सोचने लगे जे कौन सी गंगा जी पे या नदी पे नाव चलाते हैं मल्लाह है। तो केवट ने कहा शंका न करो लक्ष्मण, हमने तो गंगा जी से पार किया इन्हें, लेकिन ये प्राणी को भवसागर से पार करते हैं। प्रभु जब हम तुम्हारे दरबार में आ जाएं तो हमसे उतराई मत लेना, हमें पार लगा देना, और अगर उतराई देनी है तो अभी नहीं, 14 साल के बाद जब वनवास से घर की ओर जाओ तब आपकी जो मर्जी हो वो देके चले जाना। अब केवट ने दोबारा फिर बुलाने का इंतजाम कर लिया। इस तरह से दोस्तों भगवान श्री राम केवट का उद्धार करने के बाद में अर्धांगिनी सीता लक्ष्मण को लेकर के चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। क्षमा करें राजपूत कैसेट में यह प्रोग्राम जो हमने आप तक पहुंचाया केवट संवाद के नाम से, आशा है आगे रामायण के प्रोग्राम हम और भी आप तक पहुंचाएंगे राजपूत कैसेट में। सीता राम सीता राम सीता राम।